एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और करते हैं शुरुआत मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। खबर गुना से है जहां महिला प्रदेश अध्यक्ष मानवी चौहान की स्मृति में महिला कांग्रेस कमेटी कैंट गौशाला पहुंची। यहां कार्यकर्ताओं ने गायों को चारा खिलाया और 2 मिनट का मौन धारण करके मानवी चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पर तमाम मंत्री और नेता मौजूद रहे। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संतोष की बात है, कोरोना की गति कम हो रही है और हर रोज कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। साथ ही सीएसटी अपने क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रही है, जिसके चलते अब पूरे प्रदेश में सीएसटी का गठन होगा। 3 साल की बच्ची में ब्लैक फंगस होने पर विश्वास सारंग ने कहा कि ये शोध का विषय है, बच्ची का इलाज किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने और क्या कुछ कहा। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन ठीक ढंग से हो सके इसकी हमने पूरी व्यवस्था की है। कांग्रेस के नेताओं ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया था और उसी का परिणाम था कि लोग वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति में थे, पर जन जागरण के माध्यम से हमने लगातार फिर से ये सुनिश्चित किया है कि वैक्सीनेशन तेज गति से हो सके और इसलिए 18 साल से ज़्यादा उम्र के हमारे हितग्राहियों का अब ऑफलाइन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन से भी हम अब वैक्सीनेशन करेंगे और इससे लगातार। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि कोरोना से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। अगर रैंकिंग की बात करें तो मध्यप्रदेश देश भर में 19वें नंबर पर पहुंच चुका है। 35 ऐसे जिले हैं जहां 10 से कम मामले सामने आए हैं। आइए सुनते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश की संक्रमण दर अब 1% ही रह गई है। रिकवरी रेट लगातार हमारी बढ़ रही है। रिकवरी दर हमारी 97.13% हो गई है। एक्टिव केसों की संख्या भी लगातार, जैसा मैं आप सबसे मुखातिब होता हूं तो बताता हूं, एक्टिव केसों की संख्या 14,186 रह गई है। अगर हम रैंकिंग में देखेंगे तो जहां कभी हम 5वें, 7वें, 9वें स्थान पर थे, आज हम देश में 19वें स्थान पर आ गए हैं। लगातार घटते घटते 35 जिले ऐसे हैं जिन 35 जिलों में हमारे 10 से भी कम प्रकरण आए हैं। कई जिले तो ऐसे हैं जो 1% से भी कम हमारे यहाँ पर। गुना में जिला कलेक्टर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में कई अनियमितताएं पाई गई, जिससे नाराज होकर कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के कड़े निर्देश दिए। बता दें कि बीते दिनों जिला अस्पताल में ब्लड की डील करने का मामला सामने आया था। इसको संज्ञान में लेकर कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों को बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए। इन्हीं अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर नोबल ने अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जिला अस्पताल से लेकर प्रसूति गृह में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी अनियमितताएं पाई गई। इस दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। के दौरान थोड़ी कमियां पाई, तो उसके सुधार करने के निर्देश भी प्रदेश साथ को दिए गए हैं। मेनली मदर वार्ड में साफ सफाई का इश्यू है एंड इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज का इश्यू है, लोगों ने देखा। उसके साथ साथ मुझे डायलिसिस के यूनिट्स में इश्यूज थे, जो कंप्लेंट आ रही थी डायलिसिस यूनिट चालू नहीं है, तो आज दोनों मशीन शायद सुधर गए हैं एंड उन्हें चालू करवा दिया है। एसी का प्रॉब्लम है, वो तो इस समय काम है, उसको हम सुधरवा देंगे, उसमें लगे हैं। सीटी मशीन का भी हमने एक बार निरीक्षण किया था, सीटी स्कैन का भी चालू है, सुचारू रूप से चालू है एंड ब्लड बैंक का भी हम निरीक्षण करके यहाँ पर एक इसका एक सेंट्रिफ्यूगल। गुना में कोरोना महामारी पर नियंत्रण बनाने के लिए जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। कर्फ्यू के अनलॉक होने पर कोरोना संक्रमण का फिर से प्रसार ना हो, इसके लिए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में 100% मास्क लगाने एवं कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराने का लक्ष्य रखा गया। इसी के तहत पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों से अपील की कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा तरह से पालन करें, साथ ही मास्क का सही ढंग से प्रयोग करें।
पुलिस अधीक्षक महोदय गुना के निर्देशन में लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक थाने में लॉकडाउन की प्रक्रिया का पालन कराया गया है और इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज मास्क नहीं, सेवा नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक पुलिस द्वारा एक जुलूस के रूप में। खबर इंदौर से है जहां प्रभारी मंत्री ने ऑक्सीजन टैंक लगवाने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक एक भी प्लांट शुरू नहीं किया गया है। आपको बता दें कोरोना की दूसरी लहर में कई लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत के काल में समा गए हैं। वहीं विधायक संजय शुक्ला ने बताया कि इंदौर में केवल एक प्लांट बनाया गया है, उसका भी केवल चबूतरा बनाकर छोड़ दिया गया है, जबकि प्रभारी मंत्री और सांसद का कहना है कि इंदौर में कई ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे लेकिन अस्पतालों में डॉक्टरों का कहना है कि 8 दिन में प्लांट आएगा। वहीं संजय शुक्ला ने बताया कि अगर इस तरह से तैयारी चलेगी तो आने वाली कोरोना की तीसरी लहर को आखिर किस तरह से रोका जा सकेगा। बड़ी शर्म की बात है, जो इंदौर शहर हमारे मुख्यमंत्री का सपनों का शहर और मध्य प्रदेश का सबसे कमर्शियल शहर और सबसे बड़ा शहर इंदौर, इसमें हर चीज में दान दाता हो या सफाई के नाम पे हो, सामाजिक संगठन हो, हर नाम पे इंदौर नंबर वन है, परंतु इंदौर में हमेशा शर्मनाक घंटा रही। दो महीने से इंदौर में हजारों मौतें हो रही ऑक्सीजन के बिना, दवाई के बिना, अस्पताल के बिना, परंतु इंदौर शहर में हमारे प्रभारी मंत्री जी और सब लोगों ने घोषणा करी थी कि इंदौर में हम इतने प्लांट लगा देंगे। संसद जी ने बोला इतने प्लांट लगा देंगे, कलेक्टर साहब ने बोला इतने प्लांट लगा देंगे, परंतु इंदौर शहर में अभी तक एक भी प्लांट नहीं लगा हुआ। एक प्लांट जो बना है उसका सिर्फ चबूतरा बना हुआ है। वहीं सिंगरौली जिले के विंध्य नगर थाना क्षेत्र में स्थित जयंत चौकी इन दिनों सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है। दरअसल जयंत चौकी क्षेत्र में जहां डीजल कबाड़ कोयले का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है तो वहीं ओवरलोड गाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सूत्रों की माने तो ओवरलोड वाहनों के ट्रांसपोर्टों से चौकी प्रभारी की अच्छी साठगांठ है, जिसके कारण ओवरलोड चल रही वाहनों पर चौकी प्रभारी अपनी मेहरबानी बनाए हुए हैं। ना तो इन गाड़ियों को रोका जाता है और ना ही टोका जाता है, बल्कि इन गाड़ियों को बकायदा हरी झंडी दिखाकर बॉर्डर पर क्रॉस करा दिया जाता है और एंट्री के नाम पर मोटी रकम भी वसूली जा रही है, जो कि पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान खड़े कर रही है। रायसेन जिले के बेगमगंज के ग्राम भैंसबाई में देर रात एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। स्थानीय लोगों ने जब तेंदुए को कुएं में गिरा देखा तो वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन रेंजर जितेंद्र तोमर और उनकी टीम ने पहले तो ग्रामीणों को और गांव को जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उसके बाद तेंदुए का रेस्क्यू शुरू किया। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद टीम ने तेंदुए को निकाल लिया। वहीं वन अधिकारियों ने बताया कि तेंदुए की उम्र लगभग 2 वर्ष है और तेंदुए द्वारा किसी प्रकार की कोई जनहानि या नुकसान नहीं हुआ है। आज सुबह 8:30 बजे के आसपास भैंसबाई कला के निवासी श्री देवराज सिंह जी का फोन आया था कि उनके कुएं में जो है तेंदुआ रात में गिर गया है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल हमारा दल रेस्क्यू टीम रवाना होगी मौके पर, और मौके पहुंचे जब देखा तो तेंदुए में लगभग 2 वर्ष का जो तेंदुआ है वो गिरा हुआ पाया गया। मौके से तत्काल जहाँ आसपास जमा हुए लोग और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के बाद हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और उसको सुरक्षित। सिंगरौली के एनसीएल जयंत चौकी में तैनात एएसआई मुनेंद्र पांडे पर एनएसईएल के सरकारी आवास पर जबरन कब्जे का आरोप लगा है। बताया गया है कि बिना अधिकारियों की अनुमति और बिना एनसीएल की सहमति के एएसआई ने जयंत स्थित सरकारी आवास का ताला तोड़कर रहना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी जब एनसीएल प्रबंधन को लगी तो एनसीएल प्रबंधन ने एएसआई से मकान खाली करने को कहा और सिक्योरिटी भेजकर मकान खाली करवाने का प्रयास किया गया। इस दौरान एएसआई घर के अंदर से ताला बंद कर लिया और ताला तोड़ने पहुंचे सिक्योरिटी गार्ड के साथ भिड़ गए। शिकायत के बाद एएसआई को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए जैन चौकी में पूर्व में पदस्थ एएसआई मुनिंद्र देव पांडे, इनके द्वारा एनसीएल के एक आवास में बिना पालिका अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए हुए, बिना क्वार्टर अपने नाम अलाट कराए हुए जबरदस्ती किसी क्वार्टर में घुसने की कार्यवाही की गई है और उसके पश्चात एनसीएल वालों के द्वारा उसको खाली कराने का प्रयास।
मंदसौर जिले में ग्रामीणों का बुरा हाल है। यहाँ पानी की इतनी किल्लत है कि लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बड़ा सवाल है कि गांव में पानी की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं जब इस पूरे मामले में सरपंच से बात की गई तो वो भी इस मामले में साफ पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मंदसौर के गांव झलारा में लगभग 1.5 महीने से ग्रामीण पानी के लिए भटक रहे हैं। कई दिन से ग्रामीणों के लिए पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत झलारा द्वारा नहीं की गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर पंचायत का घेराव किया। इसके साथ ही 3 घंटे तक पानी खाली डिब्बे लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उनके साथ दोगलापन किया जाता है। गांव में रोजाना नल आते हैं, लेकिन आधे गांव में कई दिनों से नल व्यवस्था ठप पड़ी है। कई बार अवगत कराने के बाद भी सरपंच सचिव द्वारा इस समस्या का हल नहीं करवाया गया। आइए आपको भी सुनाते हैं ग्रामीणों ने और क्या कुछ कहा है। लंबे दिनों से गांव वाले पानी की किल्लत झेल रहे हैं। आज इसको लेकर ग्राम पंचायत भवन के सामने लगभग 3 घंटे से धरने पर ग्रामवासी बैठे हुए हैं और कोई भी जवाबदेही व्यक्ति यहाँ पर लगभग 3 घंटे से उपस्थित नहीं था। और सोचने वाली बात यह है कि यह गांव झलारा जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा गोद लिया हुआ है और 24 घंटे नल जल योजना के तहत मध्य प्रदेश में यह गांव 3रे नंबर पर आता है। और आज यह पानी की टंकियां लेकर ग्रामवासी परेशान होकर आज मजबूरन ग्राम पंचायत के सामने धरने पर बैठना पड़ा। तो सुना आपने, पानी न आने से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ग्रामीणों ने इस समस्या से अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इस समस्या से कोई निजात नहीं मिल पाई। वहीं अब ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर पंचायत का घेराव किया। लगभग 3 घंटे तक पंचायत के सामने पानी की खाली डिब्बे रखकर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मीडिया के पहुंचने के बाद मौके पर ग्राम पंचायत सचिव पहुंचे और ग्राम वासियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का हल करवाया जाएगा। लेकिन और ये बात भी सामने आई है कि स्थानीय सरपंच होने के बाद स्थानीय सरपंच मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया। ये क्या है कि इनकी समस्या ये है कि पानी नहीं मिल रहा है, ये समस्या है ना। तो एक बात है कि पानी कुएं में थोड़ा कम पड़ चुका है, जो कपिल धारा कुआ है उसमें पानी कम पड़ चुका है, मगर इनका ये समस्या है कि एक वार्ड में ज़्यादा देते हैं, हमारे वार्ड में कम देते हैं। इसकी समस्या हम शीघ्र से हल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारा पीएचसी की पाइप पड़े हैं और जहाँ पानी नीचे चढ़ रहा है वहाँ पर पाइन मतलब पानी लाने का प्रयास बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से सरपंच इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। एक और ग्रामीणों का कहना है कि झलारा गांव में पानी की कोई कमी नहीं है, फिर गांव वासियों को दूर दूर पानी लेने के लिए भटकना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि पानी की समस्या जल्द से जल्द हल हो, जिससे हमें राहत मिल सके, हमारे ग्रामवासियों को पानी के लिए भटकना ना पड़े। अब ये देखना है कि पंचायत का घेराव करने व पंचायत के सामने 3 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद ग्रामीणों की इस समस्या का हल कब तक पूरा होता है। ऐसे ही सरपंच सचिव कुंभकर्ण की नींद सोते रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।